नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरह ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले ही व्हाट्सएप इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। अटल टनल से पहली बार दिल्ली के लिए वोल्वो बस शुरू, सीधे लाहौल जा सकेंगे सैलानी। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग से होकर दिल्ली के लिए पहली बार हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो बस सेवा शुरू हो गई है। वोल्वो बस लाहौर के जिसपा से दिल्ली के बीच चलेगी। इस रूट की लंबाई करीब 620 किलोमीटर है। इसी के साथ सैलानी करीब 500 रुपए में मनाली से चंद्रताल का सफर कर मनाली लौट सकेंगे। विश्व की खूबसूरत झीलों में शुमार चंद्रताल झील करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल में 4 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट, 9 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को दिन भर मौसम साफ रहा। शुक्रवार रात करीब 2 बजे राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे। 10 बजे CISF जवान ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। CISF जवान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक शिनाख्त अजीत बाजीराव पाटिल पुत्र बाजीराव पाटिल निवासी मालवाड़ी शिवाई कोल्हापुर महाराष्ट्र के रूप में हुई है। जवान ने करिंगा स्थित NHPC की आवासीय कॉलोनी में फंदा लगा लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। SP अरुण कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने स्थगित की इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के चौथे सेमेस्टर की री अपीयर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। इन परीक्षाओं का आयोजन 17 जुलाई से सुबह के सत्र में होना था। इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने डेटशीट भी जारी कर दी थी। हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 5 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में तीसरा चेड़ा मार्ग पर निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। शनिवार सुबह यह हादसा हुआ। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। बस में 30 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। BMO तीसरा डॉक्टर ऋषिपुरी ने बताया कि सिविल अस्पताल तीसरा में उपचाराधीन 5 लोगों में से 2 महिलाएं मेडिकल कॉलेज चंबा में रेफर की गई हैं। पांवटा साहिब में पानी के ड्रम में डूब गया 1.5 साल का मासूम दानिश। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां पर 1.5 वर्षीय मासूम बाथरूम में रखे पानी से भरे ड्रम में गिरने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मासूम परिवार का इकलौता चिराग था। बाथरूम की तरफ जाते वक्त परिवार के किसी भी सदस्य के ध्यान उसकी तरफ नहीं गया और जरा सी लापरवाही से यह हादसा हो गया। हालांकि बाद में मासूम को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। मृतक मासूम की शिनाख्त दानिश पुत्र सुलेमान के तौर पर की गई है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उपमंडल के रामपुर घाट के ब्रोटीवाला में शनिवार सुबह पेश आया है। DSP पांवटा वीर बहादुर ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुरवाला पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हिमाचल में अब गर्भवती महिलाएं भी लगा सकेंगी COVID-19 वैक्सीन, केंद्र ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में अब गर्भवती महिलाओं को भी कोविड का टीका लगाया जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को COVID-19 संक्रमण के साथ साथ देश में उपलब्ध COVID-19 वैक्सीन से जुड़े जोखिम और लाभ की जानकारी देने की शर्त पर टीकाकरण की मंजूरी दी है। यह जानकारी शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के COVID-19 टीकाकरण की इस शर्त के साथ मंजूरी दे दी है कि गर्भवती महिलाओं को COVID-19 संक्रमण के साथ साथ देश में उपलब्ध COVID-19 वैक्सीन से जुड़े जोखिमों और लाभ की जानकारी देनी होगी। मंडी पंजाब के पर्यटकों ने तलवार डंडों से किया हमला, युग की उंगली कटी। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के रोटरी चौक पर शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे तलवारें और डंडे लेकर हुड़दंग मचा रहे पंजाब के 4 सैलानियों को टोकना 2 स्थानीय युवकों को महंगा पड़ गया। तैश में आकर सैलानियों ने युवकों पर जानलेवा हमला कर उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इस हमले में एक युवक के हाथ की उंगली कट गई है। गंभीर हालत में युवक को PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। दूसरे घायल युवक को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया है। वारदात के बाद आरोपी पर्यटक फरार हो गए थे, जिन्हें कोकसर में दबोच लिया गया। इनकी शिनाख्त की जा रही है। देवभूमि शर्मशार धर्मशाला में नाबालिग से नजदीकी रिश्तेदार ने ही कर दिया दुराचार। हिमाचल प्रदेश में दुराचार के मामलों में काफी बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला जिला कांगड़ा के धर्मशाला से सामने आया है। धर्मशाला महिला थाना के तहत आते गांव की नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है। नाबालिग के परिजनों ने इसको लेकर महिला थाना धर्मशाला में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग से दुराचार करने वाला उसका नजदीकी रिश्तेदार है। महंगाई पर सोलन में कांग्रेस ने जयराम सरकार को जमकर कोसा।
देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज जिला मुख्यालय सोलन में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां पर एक जन आक्रोश रैली निकाली जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने की। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी की सरकार को जमकर घेरा और नारेबाजी की। यह जन आक्रोश रैली सोलन के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से लेकर पुराने डीसी ऑफिस तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभी ने पेट्रोल डीजल सहित तेल सिलेंडर और दालों के बढ़ते दामों पर बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। वैट कम करने पर विचार कर रही सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम पर बोले सीएम जयराम। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर गए हैं। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों पर सीएम जयराम ठाकुर ने बयान दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट कम करने को लेकर सुझाव आए हैं और राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है, जल्द इस मामले में फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर गए हैं, ऐसे में जनता पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग कर रही है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना बंदिशों में भी और छूट दे दी गई है। अब विवाह शादियों सहित अन्य समारोह में लोगों की संख्या इंडोर में 50 व आउटडोर में 100 से बढ़ाकर 150 व 250 कर दी गई है। सेना भर्ती व एग्जाम के चलते लगातार इसको बढ़ाने की मांग उठ रही थी। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में आशा वर्कर से लेकर मजदूरों की मदद की है, आगे भी जो भी मांगी होंगी उनको भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिनभर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।